हो गया बेसिक अब एक और हमारा क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम की टू इनपुट द डायमेंशन 2डी एरे तो 2डी एरे का कुछ भी डायमेंशन रह सकता है आफ्टर इनपुट द एरे व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू जस्ट प्रिंट द डायगोनल एलिमेंट्स व्हाट यू हैव टू प्रिंट द डायगोनल एलिमेंट्स तो एक चीज़ याद रखना डायग्नल एलिमेंट्स हमारे पास खाली स्क्वायर में अवेलेबल रहेंगे क्योंकि रेक्टेंगल का डायग्नल एलिमेंट इज नॉट स्ट्रेट अवे हमें ईजिल नहीं मिलता तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे तो वॉट वी हैव टू चेक इज सिंपली डायग्नल एलिमेंट्स के लिए जैसे हमारा हमें पहले चेक करना पड़ेगा इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल इक्वल टू द कॉलम तो फिर हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए वॉट वी विल डू जैसे लेट्स टेक इट्स जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री तो इट मैट्रिक्स मतलब थ्री बाई थ्री की है तो इफ वी हैव नंबर नंबर ऑफ ऑफ एंड एंड कॉलम्स इक्वल आफ्टर दैट आई विल डू दिस देन अब देखिए नम लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स के लिए तो हमारी कंडीशन क्लियर कट मिल गई कि वॉट कि इफ आई इज इक्वल इक्वल जे तो हम लोग क्या कर लेंगे वहां पे हम लोग उसको प्रिंट करवा देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो रही है तो इट इज फॉर्मिंग अ लेफ्ट डायंगल क्लियर इतना क्लियर हुआ लेफ्ट के लिए क्लियर um, था ओके okay. पर बात आती है राइट right डाइगनल कैसे निकालें राइट right के लिए जैसे आई हैव दिस मैट्रिक्स तो राइट right डाइगनल की आई हैव ओनली वन कंडीशन पॉसिबल उसके लिए क्या करेंगे हम लोग हम लोग ये चेक कर लेंगे सिंपली अगर जो हमारी नंबर ऑफ लास्ट रो है नंबर ऑफ रो का लास्ट और एक इसका हम इसको एडअप कर देंगे सो so, एडअप करने से हमें क्या मिलेगा इट विल बी वॉट थ्री तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर इन दोनों का सम जैसे रो प्लस कॉलम का जो सम है अगर वो मॉडुलस थ्री है और इक्वल इक्वल जीरो मतलब मॉडल थ्री मतलब थ्री से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और वो जीरो आ रहा है तो राइट एंगनल फॉर्म होगा जस्ट चेक दिस रो और कॉलम जीरो थ्री तो ये क्या हुआ वी गेट वन अब सेकेंड के लिए वन एंड टू वन और टू कितना होता है थ्री थ्री डिवाइड बाई थ्री जीरो होता है राइट right डाइगनल अब यहाँ पे देखिए थ्री और जीरो इक्वल इक्वल हाँ जी तो हमें क्या मिल गया आप देख सकते हैं टिक्स व्हाट आर दे फॉर्मिंग राइट तो इसके लिए बस सिंपली आप क्या करिएगा देखिए अगर इफ रो इक्वल इक्वल कॉलम और हम लोग क्या कर सकते हैं लास्ट में जो भी देखिए रो और कॉलम इक्वल हैं और हमें पता है तो हम लोग लास्ट इंडेक्स निकाल लेंगे इसका सो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा रो तो इट इज वॉट रो डॉट लेंथ रो डॉट लेंथ रोड तो लेंथ आप सोचोगे या जीरो इंडेक्स है एरे पर हमें पता है लेंथ कितनी आएगी इसकी फोर तो रो डॉट लेंथ माइनस वन ठीक है इसको क्या करेंगे ये हम लोग एक के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे चाहे तो और उसके बाद फिर क्या कर देंगे बस अपनी कंडीशन चेक कर देंगे कि रो प्लस कॉलम मॉडुलस के इक्वल इक्वल जीरो तो इससे क्या हो गया हमारा प्रोग्राम एक जेनरिक प्रोग्राम बन गया क्योंकि यहाँ पे तो मैंने थ्री इसलिए ले लिया ले पे दिख रहा था कि थ्री है बट लेट से अगर हमारी जो मैट्रिक्स है इट इज़ ऑफ तो वहाँ पे फिर हम बैठ के जीरो गिनेंगे थोड़ी ना तो इट विल बी वॉट सिक्सटीन तो मतलब इंडेक्सिंग जीरो से फिफ्टीन तक जाएगी लास्ट तक तो हम लोग क्या कर लेंगे सिंपली रो डॉट लेंथ रो डॉट लेंथ कितनी आएगी सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस वन गिल तो अब हम लोग के को फिफ्टीन बना देंगे एंड देन तो हमारा यहाँ पे इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 13 3 की जगह 15 तो हमारा अब ये प्रोग्राम जेनरिक बन गया तो कोई भी मैट्रिक्स के लिए इट विल वर्क सो आर यू गेटिंग दिस गेट द मैट्रिक्स हैज बीन प्रिंटेड तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली फॉर का लूप तो ये तो कॉपी कर लेते हैं बार-बार एक चीज को लिखना टाइम वेस्ट होगा तो इसको कॉपी करा मैंने आफ्टर कॉपिंग इट व्हाट आई नीड आई विल चेक इफ i इक्वल इक्वल j अगर i इक्वल इक्वल j है तो मतलब हमें लेफ्ट डाइगनल मिल रहा है तो इफ i इक्वल इक्वल जे आई विल वॉट डू सिस्टम दिस विल गिव मी माई लेफ्ट डाइगनल बात हुई है ये लेफ्ट डाइगनल की बट अभी रह गया है हमारा राइट right डाइगनल तो राइट right डाइगनल के लिए जस्ट कॉपी करो इसको एंड देन अगेन

रो प्लस 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 नहीं, आई आई कॉलम, जे मॉडल इक्वल इक्वल जीरो तो क्या करना है आपको उसको ए एट आई जे प्रिंट कर देना है एज सिंपल एज दैट, ओके तो ये इतना हो गया है अब एक और इसको एंड करो दोनों को वी आर डन सो अब कोई एरर नहीं है लेट्स कंपाइल दिस नो एरर्स, लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग ऑन स्टार्ट करे प्रोग्राम को ओके सो एंटर करिए नंबर इट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन फोर बाई फोर का तो एलिमेंट्स तो आप देख सकते हो अभी मेरे को इसको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं आए हैं डिस्प्लेट विल फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन सो लेट्स लेट कि हमारे पास लेफ्ट डाइगनल क्या यही आया है सो फर्स्ट फोर एलिमेंट्स देखिए, सिक्स, सिक्स, वन, इलेवन, सिक्सटीन. परफेक्ट. लेफ्ट डाइगनल तो हमारा बिल्कुल सही आया है बात आती है राइट right डाइंगल की तो राइट right डाइगनल हमारा इट्स शुड बी दिस शुड बी द राइट डाइंगल सो इट्स वन फोर सेवन दिस एंड दिस ओके तो ये हमारे डायगनल्स आ गए आई डोंट नो सिक्सटीन के बार बार रिपीट हुआ लेट मी जस्ट चेक द कोड बट हमारा ये सही आया है वी गॉट आर राइट डायगनल ऑल्सो ओके ये वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन ओके वन रिपीट हो गया सो so, मैं एक मिनट देखती हूँ इसमें क्या एरर हुआ है हमारे साथ कोड में कहीं राइटिंग में जिम्मी वन सेकेंड कहीं एक एर आया है दो चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार सो दिस विल वर्क बेटर सो इन स्टेड ऑफ टेकिंग इसको कलर चेंज कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग आई प्लस जे मॉडुलर्स के इक्वल इक्वल जीरो तो इसमें क्या हो रहा है हमारी एक कंडीशन दो एक्स्ट्रा फुलफिल हो रही हैं सो वी विल टेक ओनली सिंपल आई प्लस जे इक्वल इक्वल के तो उससे क्या होगा जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी सो दिस विल गो फॉर द राइट डाइंगल सो इंटायरली ये बेटर रहेगा और एक एफिशियंट प्रोग्राम रहेगा सो आई थिंक अब किसी को कोई डाउट नहीं हो